हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस योर शॉट। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर रहा है जिसमें यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसको अगर आपने अच्छे से आपने कवर कर लिया, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिए, आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती, तो जो एप्टीट्यूड के जो सीसैट का जो एप्टीट्यूड पोर्शन है उसके जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक एक फाउंडेशन चैप्टर जिसको बोल सकते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स होता है उसी तरीके से एक किसी कोर्स में एक कोई फाउंडेशन चैप्टर होता है जिसमें आपको कमांड होना जरूरी होता है, तो उनमें उन चैप्टर्स में से आता है नंबर सिस्टम का चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन पहला वाला। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, तो इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है आपका, इसको अलग लाइन में लिखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है एक। ठीक है, वन इंटू फाइव इंटू टेन इंटू समथिंग। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है क्या नंबर है फिलहाल के लिए, जरूरी है कि कैसे होती है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर पूछे इस तरह के कि ये हाउ मेनी जीरोस, जीरोस पूछने का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि मल्टीपल, ये कितने मल्टीपल ऑफ टेंस होंगे। ठीक है, हाउ जीरो एट द एंड मींस बेसिकली मल्टीपल ऑफ टेंस। ठीक है, टेन के मल्टीपल डिटरमाइन कि हाउ मेनी जीरोस वुड बी देयर इन द नंबर या इन द प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो अब हमें कैसे पता चलेगा 10 के मल्टीपल हाउ मेनी, मतलब व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 10 इन दिस प्रोडक्ट, वो पता चलेगा हमारा 2 इंटू 5 कितने हैं, क्योंकि 10 इज फाउंड बाय 2 इंटू 5। ऑल राइट, तो 2 इंटू 5 अगर इसमें से हम फिगर आउट कर लें कितने 2s हैं और कितने 5s हैं, तो जो भी लीस्ट नंबर हो, लेसर नंबर होगा इनमें 2 और 5 में, दैट वुड टेल अस हाउ मेनी जीरोज वुड बी देयर। मान लिए फॉर एग्जाम्पल इसमें से 2s निकलते हैं 5 एंड 5 निकलते हैं 7। ऑलराइट, नंबर में, ठीक है, तो कितने 10s के मल्टीपल, मतलब कितने 10 आएंगे उसमें, 5 ही तो आएंगे ना, क्योंकि एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए हमें 10 बनाने के लिए। ऑलराइट, तो अगर 5 2s है हमारे पास और 7 5s है हमारे पास, देन हाउ मेनी 10s वुड फॉर्म 5। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रफ एग्जाम्पल आपके लिए, इसको इसको इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, वन इंटू, इसको इग्नोर कर सकते हैं वन को फिलहाल के लिए। ऑलराइट, हम ये लिख सकते हैं 5 into 5 into 2, ये 10 को हमने लिख लिया 5 into 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 5 into 3, 15 को। ठीक है, उसके बाद हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 into 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 into 4 होगा हमें, क्योंकि 2 में काउंटिंग करनी है, तो लेट्स मेक इट this number into the form of 5 into 2s, so it would become an easy task for us to calculate the number of zeros. ठीक है, next 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का square, ठीक है, उसके बाद हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, 5 into 2 into 3 लिख सकते हैं, which 3 we can ignore later. ठीक है, इसी तरह से 35 को हम लिख सकते हैं 5 into 7, देन 40 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू कितना, 2 का क्यूब, 5 इंटू 8 होगा ना 40, 5 इंटू 8 होगा 40, तो 8 वुड बिकम 2 का क्यूब। इसी तरीके से 45 को हम लिख लेंगे 5 इंटू वॉट एवर दैट नंबर भी, 3 का स्क्वायर, लेकिन दैट वुड नॉट मैटर मच, हमें चाहिए बस 5s एंड 2s। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं इग्नोर, 9 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। Then 50, what would write 50? 5 square into 2, ठीक है ना, 25 into 2, we have made this 50 into 5 and 2 का form,
तो 5 का फॉर्म 25 को हमने लिख लिया 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना, हमारे पास बचा 5 इंटू 11 एंड देन लास्ट हमारे पास बचा 12, 5 इंटू 12 बचा ना 60 जो है, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। ऑलराइट, अब हमारे पास सब कुछ आ गया 5 एंड 2s के फॉर्म में। अब हम काउंट कर ले कितने 5s हैं, हाउ मेनी 5s एंड हाउ मेनी 2s, 2s कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 2s कितने हैं हमारे पास, 2s 2s लिख दिया है, एस है फॉर 2s एंड हाउ मेनी 5s वी हैव, वी विल काउंट थ्रू दिस, ठीक है, एंड वी विल गेट दीज टू नंबर्स, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड विच एवर इज लेसर जो कम होगा वो डिटरमाइन करेगा हमारे पास कितने जीरो आएंगे एंड ऑफ इसमें प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। ये हमने कैसे आएगा, ये हमने पहले डिस्कस किया कि क्योंकि हमें 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वजह से जो भी कम होगा दैट वुड डिटरमाइन हाउ मेनी जीरोज वुड कम इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर काउंट करें 5 को काउंट करते हैं पहले 5, चलिए पहले 2 को काउंट करते हैं क्योंकि छोटा है, छोटे को पहले अहमियत दी जाती है, हर घर में यही होता है। तो 2 को काउंट करते हैं, 2 1 देन यहाँ पे 2 है तो 3 हो गए टोटल, 4 हो गए, यहाँ पे 3 है, 4 पहले से 3, 7 हो गए हमारे पास एंड दिस 8 8 और 2 यहाँ पर हमारे पास है तो 10, ठीक है। 2s हमारे पास काउंट करने पे कितने हो गए, 10 हो गए। चलिए एक बार हाईलाइट कर देते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, दिस 1 यहां से 2 आया टोटल 3 एंड दिस 4 एंड यहाँ पे 3 है तो 7 एंड दिस 8 और ये 2 10 या 10, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हो गए 10 2s, लेट्स काउंट 5, ठीक है, सीधे सीधे 5 जल्दी से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 एंड 14, वी हाउ मेनी 5s वी हैव इन दिस प्रोडक्ट, वी हैव 14 5s, सो वुड दिस मैटर, 14 5s वुड दिस मैटर, नो ऑब्वियसली नो, बिकॉज हमें मैटर क्या करेगा, द लेसर नंबर, ठीक है, 2s और 5 में जो लेसर होगा दैट वुड डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस वी विल गेट इन दिस प्रोडक्ट। तो वी हैव एज लेसर 2s, 10 2s है हमारे पास, तो इवेंचुअली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड कम दिस 10, ठीक है, समझ में आया। बेसिकली जीरो लाने का मतलब है प्रोडक्ट में कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 हो, और 10 हमें इसमें कितने मिलेंगे, जितने हमारे पास 2s एंड 5s होंगे, तो जो भी 2s और 5s में जो लेसर नंबर होगा, ठीक है, जिसके काउंट्स लेस आएंगे 2 एंड 5, दिस इज 5, ऑलराइट, इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पे राइटिंग को लेकर, ठीक है, दिस इज 5, फिर से लिखते हैं दिस इज 5, ठीक है। तो 2s एंड 5s में जो कम होगा दैट वुड बी द आंसर, 10 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब आपको ये बात पता होगी कि 10 कैसे जीरो कैसे आते हैं देन इट बिकम्स इजी, अदरवाइज इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व, बिकॉज आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, इतना बड़ा प्रोडक्ट आप इसमें ही 15 मिनट वेस्ट कर देंगे, देन यू विल पैनिक इन द एग्जाम। तो एग्जाम हॉल में से पैनिक नहीं करना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा तो स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास सफिशियंट क्वेश्चन होते हैं आंसर करने के लिए, आपको जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये बोल रहा है लेट एक्स वाई जेड बी अ 3-डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीपल वाला जिसे जैसे उसमें हमने बस जीरो जीरो का मल्टीपल वहां पर लाने के लिए हमने देखा था 10 का मल्टीपल होना चाहिए, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था 10 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर नहीं देकर, कोई सिंगल डिजिट नहीं देकर हमें वेरिएबल्स के टर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है, देखते हैं अभी टफ लग रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर एक्स वाई जेड ऐसे लिखा है तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, ठीक है, 100 डिजिट, तो इसको हम इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 100x
प्लस एन वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। समझ में आया? ये आया भाई, ये क्योंकि 100th प्लेस पे है तो ये हो गया 100x, ठीक है। एंड दिस इज एट द प्लेस ऑफ 10, तो ये हो गया 10y, एंड दिस इज एट द यूनिटेड प्लेस, तो ये हो गया z, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं ना xyz, अगर तीन डिजिट नंबर है। फॉर इंस्टेंस xyz क्या हो सकता है, मान लिए 739 है xyz, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 739, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 700 प्लस 30 प्लस 9, यही तो लिखा है यहाँ पे। या और सिंप्लीफाई कर दो इसको, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 9, जैसे ये इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। ये बच्चों को समझाने वाली चीज है, सेकेंड क्लास में शायद पढ़ाया जाता है टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब आप काफी उसमें से ऊपर आ चुके हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास ये दे रखा है, ये बेसिकली पूछा है इज नॉट डिविजिबल बाय समथिंग, इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, सिमिलरली हम वाई जेड एक्स की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। वाई जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर हम ये फाइंड, इसकी बेसिकली जो ये इक्वेशन है ना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किससे नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने एक्स वाई जेड भी पहले निकाल लिया, नाउ वी आर वर्किंग ऑन वाई जेड एक्स, ऑलराइट। तो वाई जेड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 100y प्लस 10z प्लस x, ऑलराइट। एनी इश्यूज विद दिस, होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट z x y वुड बिकम 100 z प्लस 10 x, ठीक है। सिमिलर मेथड, नथिंग डिफरेंट, हमें इक्वेशन क्या दी है, इन सब का एडिशन दिया है ना, हमें इनका एडिशन करना है ना, प्लस y z x प्लस जेड एक्स वाई, यही हमें निकाला ना, इट इज नॉट डिविजिबल बाई वॉट। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। अगर हम देखें ये जो पूरी है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, तो हमें यही इक्वेशन मिल रही है ना जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। लेट्स ऐड दम, अगर ऐड करें हम एक्स को सब एक साथ लिख सकते हैं, 100x दिस, देन 1x इज हेयर and 10x is there, how much it will become, 100 plus 1 plus 10, 111x, ठीक है। Nothing difficult in this again, 111x, ठीक है। Then plus का sign, let's take y, this y, 10 plus 100, 110, and this, again 111 we have 111y, ठीक है। Similarly, what is left? We have z left, this, ठीक है। It would become, what would it become? Again 111z, ठीक है। It is 111z, confuse मत होना two में, ये 111z है। 111z को common ले सकते हैं, सॉरी 111 को कॉमन ले सकते हैं, 111 को हमने कॉमन ले लिया, x बचा यहाँ से, y बचा यहाँ से, एंड z बचा यहाँ से, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस 111 x प्लस y प्लस z। अब हमसे पूछा, हमसे बोला गया है कि ये इक्वेशन इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट, तो ऑब्वियसली जो ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है, it is divisible by x plus y plus z, it is pretty obvious ki x plus y plus z is a multiple of this equation, ye dekhiye yahan par aaya, ye marker thoda sa dark hai, ye wala chhodte hain, this x plus y plus z, theek hai, dekhiye aaya ki nahi aaya, to kyunki ye it is a multiple of this, to fir to it is obviously divisible bhi hai, to ye option to nahi hoga hamara, cut this option, theek hai।
एंड 111 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर तीन देखें 111 को 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, व्हाट विल बिकम? 3, 3 3 जा 9, 2 कैरी गया, व्हाट इट वुड कम? 7 बचा तो 37 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी करिए। x प्लस वाई प्लस जेड इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 111 को हमने ब्रेक कर लिया, 3 से हमने काटा इसको, 3 3 जा 9, 2 कैरी गया, 21 हुआ। ठीक है, 37 जा 21 तो 37 आ गया, 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये x, ये वाला आपका जो ये वाला है ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, अगर कोई दिमाग लगा के क्वेश्चन नहीं भी कर रहा तो भी। ठीक है, 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अब देखिए 3 तो आपके पास भाई साहब आ ही गए, एक्स प्लस मल्टीपल जो आ गया 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इट इज डिविजिबल बाई 3, 37 भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज देयर, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज प्रीटी ऑब्वियस तो वो भी नहीं हो सकता, बचा क्या 9, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? 9। ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है, देखने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है कि लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बी अ थ्री डिजिट नंबर, इतना भारी क्वेश्चन बना दिया ऐसा लग रहा है यूपीएससी ने, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, या एक काम करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, नहीं होता है तो सॉल्व करेंगे, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं एक छोटी सी, जल्दी सी हिंट ये है कि आप इसमें आपको बस कंपेयर करना होगा, ये पी को क्यू से कंपेयर करना होगा, फिर पी को आर से कंपेयर करना होगा, एंड देन पी को एस से कंपेयर करना होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे आपको लार्जेस्ट नंबर कौन सा मिलता है, इसमें आप नंबर अज्यूम करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, सीधे कंपेयर करिएगा जो वेरिएबल्स हैं इन्हीं को, आपको मिल जाएगा। ये रीजनिंग में आपने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के टॉपिक में भी इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।